हेलो फ्रेंड्स, सिंपलीपुरी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टंगड़ी मसाले का मज़ेदार रेसिपी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्दी से कीजिए, ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रेसिपी। यहाँ मैंने 100 ग्राम की दही ली है, आधा नींबू का रस, और यहाँ मैं डालूंगी सूखे मसाले, स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच और लाल पाउडर 1 चम्मच। नमक और सारे मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मुर्गी के टांग, जो पहले से मैंने अच्छी तरह से साफ कर दी है। यहाँ मैंने 4 टांग ली है। अब हम इसको मैरिनेट कर देते हैं। अब हम इसको 1 घंटे तक ढक लेते हैं। 1 घंटे के बाद हम इसको फ्राई कर देंगे। यहाँ मैंने पैन को गर्म कर ली है और 4 बड़े चम्मच ऑयल डाल दी है। तेल जब गर्म हो जाए तो हम चिकन को मीडियम फ्लेम में फ्राई कर देते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इसको ढक लेते हैं। चिकन को हम दोनों साइड से उलट पुलट कर देंगे, ताकि चिकन गल भी जाए और अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए। देखिए, ये दोनों साइड से अब फ्राई हो चुकी है। अब हम ग्रेवी बना लेते हैं। यहाँ मैंने फ्राई की हुई ऑयल में ग्रेवी बनाऊंगी। यहाँ मैंने 3 तेज़पत्ता ली है। हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1 हल्दी पाउडर 1 चम्मच डाल देते हैं। अब हम सारे मसाले को 2-3 मिनट तक भून लेते हैं। तीन मिनट के बाद यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी।
यहाँ मैंने एक कटोरी टमाटर प्यूरी ली है। अब हम इसे भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ मैरिनेट से बची हुई मसाले डाल दूंगी और इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। मसाले के साथ ही हम इसको ऑयल छोड़ने तक भून लेंगे। तीन से चार मिनट भुनने के बाद यहाँ मैंने पानी ऐड कर ली। पानी मिक्स करने के बाद यहाँ हमने फ्राई की हुई चिकन को डाल देते हैं। अब हम इसको थोड़ा टाइम ढक के पका लेंगे। अब हमारा रेसिपी पूरी तरह से तैयार है। इसको हम सर्व कर देते हैं। मेरा ये रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।